गुड इवनिंग, माई सेल्फ ऋषिकेश। तो मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा आपको। तो पहले इसका एक डायग्राम पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन है और ये गोल्ड फॉइल है, बहुत एकदम बहुत थिन गोल्ड फॉइल है। तो जैसे कितना थिन है वो? 10 to the power समथिंग, आई डोंट नो। एटम तो जैसे कि रेडियो एक्टिव, तो जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे ना, तो वो गोल्ड फॉइल पे आ जाए और उसमें से मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बहुत कम डिफ्लेक्ट हो गए और वो आगे चले जाएंगे और वहाँ और 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स मोर देन 90% डिफ्लेक्ट हो गए फिर से पीछे आएंगे। तो ये ऐसा कंक्लूड करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है वहाँ पे। और इसका जो मोस्ट ऑफ द मास है ना वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम का। बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, और वही वॉल्यूम्स को फिर उन्होंने टर्म किया था न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फर्स्ट ये कंक्लूड किया था कि जैसे कि यहाँ पे मोर देन आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स एक ही सिर्फ पीछे डिफ्लेक्ट हो रहा है मोर देन 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो उसने फर्स्ट ये कंक्लूड किया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल, एंड थर्ड
थर्ड की कुछ नहीं था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज और मास है एटम का वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत स्मॉल वॉल्यूम में एटम के अंदर. और इसके ड्रॉबैक्स मेजर दो ड्रॉबैक्स थे इस एक्सपेरिमेंट के. तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड मॉडल डिडंट एक्सप्लेन अ फील्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर पाथ. और सेकेंड मेजर ड्रॉबैक था कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस और देयर चार्जेस. पहला ड्रॉबैक ये है कि रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन अ फील्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में. और सेकंड ड्रॉबैक व्हाई व्हाट हैपेंड व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट आई डोंट नो. इसको पता है ग्रुप बोलो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ It's stated that if an object is in a particle is in motion for every turn, it loses energy. So electron should not. Eventually, it will follow a spiral path and collide to the. But that was also wrong. कि वो एक particular इसके बाद में वो या तो फिर revolve होना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं था. कंटिन्यूस रिवॉल्व होते हैं ना स्केलिंग होता है. वही तो ड्रॉबैक है. वही डिस्कस वही तो स्केल नहीं कर पाया. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है ये सेम टॉपिक और बने फिंगर अरे सर आप गुड आ जाओ.